All right, Janta, a very, very warm welcome and a special cracking welcome to my lovely set of students, to my beautiful children. मुझे आप सबकी दिवाली विशेस मिल गई YouTube पर भी, चैनल पर भी, और आपने जो पर्सनल विशेस की थी, द दिवाली वॉज वेरी वेरी स्पेशल. आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अमेजिंग रही, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लाइट एंड फुल ऑफ ब्लेसिंग्स. भाई, एक्साइटमेंट की बात ये है कि स्पेशली जो ये वाला बैच है, मिशन MBBS 2023, आप लोगों को ये एहसास होना ज़रूरी है कि बाय नेक्स्ट दिवाली 2023 आप लोग ऑलरेडी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सकते हैं, गिवन कि आप अपनी मेहनत को बरकरार रखो, कंटिन्यूअस रखो, राइट? तो हमेशा अराउंड दिवाली एंड आफ्टर दिवाली, यू नो, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ चेंज दैट हैपेंस इन द कॉन्शियसनेस. मेरा तो ये होता है कि भैया अब से एक एक कदम आफ्टर दिवाली, दिवाली इज अ न्यू बिगिनिंग, इट्स लाइक अ न्यू ईयर. अब से एक एक कदम जो आप आगे बढ़ाओगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका आपको फुल रिटर्न मिलने वाला है. यानी कि तुम अगर 2 मिनट 5 मिनट भी पढ़ाई में लगाओगे, समझ लो कि उसमें से सवाल आने ही वाला है. सच इज द टाइम, या दिस इज द टाइम टू फास्टन योर सीट बेल्ट. वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द चैनल. मैं अभी बात कर रही थी टीम से, वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि अगली दिवाली में आप सब लोग अपने मेडिकल कॉलेज में जरूर हों और अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हूं सबके साथ कि कैसे लास्ट दिवाली से अब तक मैंने तैयारी की एंड दैट इज व्हाई आई एम सक्सेसफुल, इजंट इट? कौस्तुब, अवनि, अदिति, जिया, बेटा सो लवली टू हैव यू, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव. नमस्ते जूही, आई एम श्योर आप लोगों की छुट्टियां भी चल रही हैं, सो यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज टू मिस लाइव क्लासेस ऑफ एनी ऑफ द टीचर्स ऑन आकाश बाईजूस नीट चैनल. अब तुम्हारा जो जुड़ाव होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए टीचर्स के साथ, वो और ज्यादा होना चाहिए. बेटा, अगर आप अभी तक 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका 12 घंटे का टाइम टेबल रेडी होना चाहिए. अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, नाउ इज द टाइम टू रियली गेट इट फायरिंग. हाँ, अब पीछे देखने का टाइम है नहीं, क्योंकि अब हमारे पास कुल मिलाकर 6-7 महीने बचे हैं. आई विल कम ऑन द चैनल टू ब्रिंग मेनी रिमाइंडर्स एक्सक्लूसिवली फॉर 2023 स्टूडेंट्स. 2023 स्टूडेंट्स के लिए रोज एक मैसेज आपको मैम से जरूर मिलेगा, एंड आई एम गोइंग टू बी योर अलार्म क्लॉक, या आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू कि भैया अब सबसे प्रोडक्टिव टाइम है, सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, पढ़ाई में मजा आने वाला है, राइट? सो पीपल, एंथी का एग्जाम आ ही गया, अब तो साथ में आकर बैठ ही गया है. अगर आपने इसके लिए रजिस्टर नहीं किया है, आई कॉल इट द प्री नीट ड्रिल, है ना? जैसे आर्मी के सोल्जर्स को ड्रिल दी जाती है कि भैया जब वॉर होगा तो कैसे लड़ाई लड़नी है, उनके सामने वॉर जैसी सिचुएशंस रखी जाती हैं, विच इन्वॉल्व्स भाई सिर्फ लड़ाई लड़ना इज नॉट द फिजिकल, कि भाई फायरिंग कर दी कहीं पे भी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनालिसिस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग टू फेस द एग्जाम. तो नीट 2023 से पहले आकाश बायजूस हैज ब्रॉट टू यू एंथी एग्जाम. उसी तरह एट ऑल इंडिया लेवल यू विल बी कम्पीटिंग विद लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड यू विल बी गिवन एन ऑल इंडिया रैंक. तो ये बड़ा जरूरी है इस टेस्ट को देना, चाहे आपको लगता हो आपकी तैयारी नहीं है, चाहे आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है. एंथी जरूर दीजिएगा, रजिस्टर फॉर इट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. भूलिएगा मत कि इस चैनल पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी ऐसी सीरीज चल रही हैं विच कैन ब्रिंग यू वेरी वेरी क्लोज टू योर ड्रीम, है ना? तो सारी लाइव क्लासेस का जो स्केड्यूल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में, वो आपके दिन का स्केड्यूल हो जाना चाहिए, स्पेशली अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो. क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं सुबह 11-12 बजे से, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. मान लिया कि कुछ क्लासेस के टाइम पे आप स्कूल में होते हो, भाई स्कूल में रिसेस है, स्कूल में टीचर का फ्री पीरियड है, क्यों नहीं हम लाइव लेक्चर ज्वाइन कर सकते? तो कोशिश कीजिए कि चैनल का जो लाइव स्केड्यूल है वो आपका स्केड्यूल है, अपने आप आपकी 6-7 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकल जाएगी, क्योंकि हम टीचर्स रिवीजन सेशंस भी लेकर आ रहे हैं. हो सकता है आपने प्लांट किंगडम ऑलरेडी पढ़ लिया, हो सकता है आपने एनिमल किंगडम ऑलरेडी पढ़ लिया, तो भाई टीचर्स आ गए कि एनसीईआरटी के इस कोने में इस पेज पे ये डायग्राम दिया हुआ है, पढ़ा क्या? सो अ लॉट इज गोइंग ऑन द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेंबर कि आपको नोटिफिकेशंस ऑन रखनी है, ताकि ऐसा ना हो कि पंखुरी मैम कोई बोनस सेशन लेकर आ रही है, पंखुरी मैम कोई सरप्राइज सेशन लेकर आ रही है कि भैया चलो इस कॉन्सेप्ट में केमिस्ट्री है, इस कॉन्सेप्ट में मैथमेटिक्स है, अब ये तो मैथ्स पढ़ेंगे आज. सही बात है ना? तो इन बोनस सेशंस के लिए, इन सरप्राइजेस के लिए
हमें नोटिफिकेशंस को ऑन रखना बेहद जरूरी है। अगर आपको अपनी नीट 2023 की प्रिपरेशन में कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए हमसे, चैनल पे कोई भी डिमांड है, तो प्लीज पुट इट इन द सर्वे फॉर्म। इफ यू वांट टू अप्रिशिएट सम न्यू थिंग दैट द चैनल हैज स्टार्टेड, कि भाई मैम ये वाली सीरीज में, ये वाले सेशन से मुझे बहुत मदद मिल रही है, प्लीज कंटिन्यू, तो वो भी आप अपने स्टूडेंट सर्वे फॉर्म में डालिए। दिस इज द, इफ यू हैव नॉट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज ज्वाइन, दिस इज द कोड फॉर द ऑफिशियल ग्रुप। जया गुड इवनिंग बेटा, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू माय स्टूडेंट्स। अभी सोलर इक्लिप्स भी स्टार्ट होने वाला है, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टाइम, है ना, पीपल हैव नोशंस अबाउट इक्लिप्सिस। 4:30 PM सोलर इक्लिप्स विल स्टार्ट, टुडे इज द डे व्हेन सन एंड मून आर अलाइंड टुगेदर, है ना, दैट इज वेरी very very powerful to take a pledge। आज आप जो भी संकल्प लोगे, जो भी प्लेज लोगे कि मुझे ये करना है, यू विल ऑटोमेटिकली हैव द एनर्जी एंड गुडविल टू डू इट। तो बड़ा अच्छा टाइम है ये कि आप इसको यूटिलाइज करो, और बिल्कुल ये मत सोचो कि आई एम नॉट केपेबल। मेरे पास बच्चे अक्सर ये सवाल लेकर आते हैं, मैम अब तो मैम 6 महीने रह गए, 11th भी नहीं आती, 12th भी आधी नहीं आती, कर लूंगा क्या। अपने आप पर शक मत कीजिए, है ना, आज से सोच लीजिए कि मैं तो कर ही लूंगा। Okay, everybody take that pledge. Yeah, the change will begin from you. आप change का संकल्प लोगे, everything will come to your door helping you. ऐसा हमेशा होता है. Yeah, last class में we started a topic of plant breeding. अगर मैं NCERT देखूं तो उसमें से ये नन्ना सा टॉपिक है, एनिमल ब्रीडिंग में नन्ना सा टॉपिक था, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग कैन यील्ड गुड 2 MCQs इन नीट एग्जाम। इस चैप्टर में से मेरे पास 3 MCQs आते हैं, बोले तो 12 नंबर हम इस चैप्टर से अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो वो इसका बॉटनी का पार्ट है, एनिमल ब्रीड इट्स अ जेनरिक चैप्टर, इसको जूलॉजी बॉटनी में गिना ही नहीं जाता है, ठीक है, किसी भी पोर्शन में आ सकता है, तो इसलिए इसमें से इतनी ज्यादा वेटेज बन जाती है। अब प्लांट ब्रीडिंग को हम बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, और जितने भी अब सेशंस हो रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट क्लास दैट वी टुक, इसमें से MCQ अलर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। You will see me putting 5 stars on a lot of concepts. पिछली क्लास में मैंने आपको अलविदा कहा था इस बात पे कि जो मैंने आज बात करी है वो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग की है, जो एक कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडर की सोच है, लेकिन बदलाव तो सच है, अ प्लांट ब्रीडर हैज टू इनोवेट एंड टेक न्यू स्टेप्स इन ऑर्डर टू गेट results quickly. क्यों भाई? क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हमारे देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हद है, बढ़ती जा रही है, एंड अवर नीड फॉर द इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज इंक्रीजिंग। उसके अलावा मैंने आपको ये कहा था कि भैया हमें ये भी देखना है हाउ न्यूट्रिशियस इज अवर फूड, हमारे खाने में न्यूट्रिशन कितनी है, क्योंकि लोग अभी भी बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं मैल न्यूट्रिशन, राइट। सो कन्वेंशनल मेथड के जो हमने स्टेप्स पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, बहुत सारे, है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भैया जर्म प्लाज्म को कलेक्ट किया, उसमें से सुपीरियर पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, फिर पेरेंट्स से बच्चे आए, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट किया, उसको टेस्ट किया, इट्स वेरी स्लो, आई टोल्ड यू इट्स वेरी वेरी टीडियस, बिकॉज जेनेटिक्स इट इज फॉलोइंग द ट्रेडिशनल जेनेटिक्स। भैया टेस्टिंग में ही सालों साल लग जाते हैं, फिर फार्मर के पास गया, फार्मर ने टेस्ट किया, 3 सीजन्स तक मुझे टेस्ट करना है, तो इससे क्या हो रहा है कि मेरी प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, व्हाट आर द 2 मेजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दैट वी आर फॉलोइंग इन प्लांट एग्रीकल्चर, इन प्लांट कल्टिवेशन? प्रोडक्टिविटी और चाहिए क्योंकि जनता बढ़ती जा रही है ना, और क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस पे भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि भाई इस क्रॉप में इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि नाउ वी विल गो टू विल गो नॉच फर्दर एंड इन्फॉर्म आवर सेल्व्स अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इन द सेंस दैट कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग इज द नॉलेज दैट द ब्रीडर हैज टू हैव इन ऑर्डर टू डू एनीथिंग। अब एज अ प्लांट ब्रीडर मैं इसको कैसे अप्लाई करूंगी? भैया 3 चीजें हैं जो मेरा सबसे बड़ा डर है अपनी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में। सोच कर देखो, मैंने बोला था इस चैप्टर में आपको एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन जाना है, जेनेटिक्स पढ़ते हुए अपने को जेनेटिसिस्ट बन जाना है, फिजिक्स पढ़ते हुए फिजिसिस्ट बन जाना है। उससे क्या होता है कि आपकी कॉमन सेंस एक डब्बे में नहीं रह जाती। वो सबसे बड़ा किलिंग रीजन है कि हमें कोई चैप्टर पसंद आता है और कोई नहीं आता है। ठीक है, अब कॉमन सेंस लगाओ कि तुम फार्मर हो, तुम्हारा एग्रीकल्चरल फील्ड है। मैंने तुम्हें हमेशा कहा सबसे बड़ा डर ये है कि एक डिजीज, एक छोटा सा बैक्टीरिया ना मेरे पूरे क्रॉप फील्ड को बर्बाद कर सकता है इन
minutes in a day, because that is how they divide, right? So disease resistance is the first application, bhai. और usually ये वाला diseases is by the microbial diseases, है ना? Fungus आ गई, phytophthora infestans आ गई अगर, है ना? उसने late blight of potato कर दिया, तो क्या हुआ था? Famine हो गया था, भूख मरी से लोग मर गए थे, पूरा potato field, पूरी potato produce उसने देश की खराब कर दी, ठीक है? Puccinia है, Puccinia आ गई अगर, तो उसको time नहीं लगेगा और वो बताएगी भी नहीं आपको कि मैं ऐसा कर रही हूँ, पूरे का पूरा wheat crop लेकर चली जाएगी. सही बात है या नहीं है, ये सब आप पढ़ चुके हो. तो उसके बाद आता है, दिस इज द फर्स्ट इज माइक्रोबियल डिजीजेस को, जो ये ना दिखने वाले डिजीजेस हैं, इनको दूर करना. दूसरा एप्लीकेशन प्लांट ब्रीडिंग का ये हो सकता है कि मैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करूं. इंसेक्ट्स आर थ्रू आर्थ्रोपोड्स, है ना? कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स को बर्बाद कर देते हैं. मुझे ये पता लगता है कि ये पर्टिकुलर क्रॉप इस एरिया में, पंजाब के इस विलेज में, हरियाणा के इस विलेज में, इट इज प्रोन टू दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट. आई टोल्ड यू नो, इट इज बेस्ड ऑन द एग्रो क्लाइमेट ऑफ द एरिया. और तीसरी बात आती है, इन जनरल आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी कॉन्स्टेंटली इन द मार्केट. बिकॉज जनता विल से, मुझे तो वाइटमिन रिच चाहिए, मुझे तो आयरन रिच चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ मासेस ऑफ द पॉपुलेशन. सही बात है. तो आज अपन इस प्रॉब्लम को डील करेंगे कि कैसे प्लांट ब्रीडिंग को मैं यूज करूं टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंस अमंगस्ट द क्रॉप्स. डिजीजेस बहुत सारे हैं, आप सिर्फ कुछ डिजीजेस पढ़ते हो, यू जस्ट सी द टिप ऑफ द आइसबर्ग. वो भी बेचारी जब हम फंगस पढ़ते हैं, वो भी जब अपन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ते हैं, द रस्ट एंड द स्मट फंजाई, राइट? तो एस्कोमाइसिटीज हो गई, बेसिडियोमाइसिटीज हो गई. यार कभी कभी इन माइक्रोबियल डिजीज में ऐसा होता है, अपने को पता भी नहीं होता है कौन सा बैक्टीरिया आकर, आफ्टर द डैमेज इज हैपेंड, आफ्टर चिड़िया चुग गई खेत, वी गेट टू नो कि ओ, ये भी एक बैक्टीरिया की स्पीशीज थी जो इतने लेवल तक डिजीज कर सकती है. लाइक इट हैपन इन कोरोना, हु न्यू दैट दिस वायरस कैन क्रिएट सो मच ऑफ हैवक, राइट? सो डिजीज रेजिस्टेंस में जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है, उसके स्टेप्स आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो. तो अभी तक हमने कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जो काफी ज्यादा स्लो है, जिसमें काफी ज्यादा यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन कि वेदर विल बी एबल टू गेट द इम्प्रूव्ड प्रोजेनी, इम्प्रूव्ड रिकॉम्बिनेंट, वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से हमने अभी तक भिंडी की एक वेराइटी प्रोड्यूस की है. दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, आई डिड नॉट मेक इट अप, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, राइट? सो वी हैव क्रिएटेड अ इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ भिंडी, है ना? अब आप तो बहुत छोटे हो, मैंने तो देखा है कैसे भिंडी बदल चुकी है. द भिंडी दैट आई यूज टू ईट हैज अ, बाय द वे इट्स माई वन ऑफ माई फेवरेट सब्जी, सो आई नो कैसे बचपन में भिंडी होती थी और कैसे अब भिंडी आती है, राइट? सो वी हैव इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ भिंडी. किया क्या है हमने कि भिंडी के क्रॉप को, ओकरा के क्रॉप को, पुराने जमाने में येलो मोजैक वायरस, येलो वेन मोजैक डिजीज डिस्ट्रॉय कर देता था, ठीक है? सो दैट इज एबिलोमोशस एस्किलेंथस इज द इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ भिंडी और ओकरा दैट वी हैव इन द मार्केट टुडे, जिसके पास जेनेटिकली ओके अपन ने ब्रीडिंग करवा के अपन ने ऐसा रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस किया है, हु इज नॉट, विच इज नॉट अफेक्टेड by this disease anymore. So this is one achievement of conventional method of plant breeding. I repeat, conventional method of plant breeding. किया क्या होगा? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जेनेटिक्स अप्लाई करो, है ना? दिस इज, दिस चैप्टर प्लांट ब्रीडिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ वॉट यू स्टडीड इन जेनेटिक्स, है ना? वो आप पढ़ चुके हो. तो भैया अगर कोई ऐसी वेराइटी है जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस है, उसको मैं क्रॉस करवाऊंगी हाई यील्ड से, बिकॉज हाई यील्ड को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी. अपने को क्रॉप भी तो चाहिए ना, पैसा, ग्रीड, ओके? तो उसके बाद F1 जनरेशन होगी, उसमें मैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ ब्रीडिंग करवाऊंगी, ताकि मेरे पास होमोजाइगोसिटी आए, ताकि मेरे पास प्योर लाइंस आए, राइट? तो दिस वेराइटी विच इज रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस, उसका कॉमन नाम जो कमर्शियली वो फार्मर्स को बेचा, उसका नाम था प्रभानी क्रांति.
एंड आई टेल यू, ये जो सवाल है प्रवाहनी क्रांति इज द इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ विच क्रॉप. सेकेंड क्वेश्चन, प्रवाहनी क्रांति इज इम्प्रूव्ड वेराइटी अगेंस्ट वॉट? इज इट इंसेक्ट रेजिस्टेंस? इज इट पेस्ट रेजिस्टेंस? इज इट इम्प्रूव्ड? इज इट बायोफोर्टिफाइड? इज इट डिजीज रेजिस्टेंट? बन गई चार चॉइसेस. तो ये क्वेश्चन मेरे वक्त से आ रहे हैं. हाँ, ये कुछ ऐसे पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो भैया कहीं नहीं जा रहे. इसको आप एनसीईआरटी में प्रभानी क्रांति को 5 स्टार मार्क कर लीजिए. उसके अलावा अभी तक जो हम जीत हासिल कर चुके हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू, उन क्रॉप्स में कर चुके हैं. नंबर वन, चूज कैसे किया जाता है? जो घर घर में बिकती है सब्जी, जो घर घर में क्रॉप बिकता है, मैं उसी पे इंप्रूवमेंट करूंगी, उसी पे टाइम लगाऊंगी. अगेन, इट इज ओइंग टू द इकोनॉमिकल बेनिफिट्स एंड द डिमांड इन द मार्केट. सही बात है. हाँ, और दूसरा, ये द क्रॉप विच इज प्रोन टू डिजीजेस इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया. या कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, थिंक लाइक अ प्लांट ब्रीडर. तो वीट से ज्यादा स्टेपल क्या हो सकता है? वीट से ज्यादा, गेहूं से ज्यादा स्टेपल क्या हो सकता है? राइट. तो ये जो टेबल है ना एनसीईआरटी का, इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन A4 शीट पर लिखकर सजाकर सारी कारीगरी दिखा दो, सारे मोटिकॉन, सारे पेन के कलर सब दिखा के हम अपने स्टडी टेबल पर लगाएंगे. यार, ये वाला क्वेश्चन किसी के लिए तो हो सकता है फ्री के 4 नंबर, और किसी जनता के लिए हो सकता है यार ये क्या हो गया, आई जस्ट लॉस्ट अ सीट इन एम्स दिल्ली बिकॉज आई डिडंट नो कि पूसा स्वर्णिम ब्रासिका की स्पीशीज है या चिली की स्पीशीज है. क्वेश्चन डायरेक्ट आता है. ऑनेस्टली, ये वाला जो तीसरा कंपोनेंट है, मुझे ये कहना नहीं चाहिए बट मैं फिर भी आपको बता रही हूं, मैंने जो प्रीवियस ईयर्स में देखा है, इससे ज्यादा वो बेचारा सिर्फ इतना पूछता है कि हिमगिरी कौन से क्रॉप की वेराइटी है. पूसा स्वर्णिम से अभी रिसेंटली आया है 2015 के बाद, पूसा स्वर्णिम और करण राय किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है. पूसा शुभ, जब व्हेन आई सैट फॉर द एग्जाम, मेरे टाइम पे कुछ 9-10 एग्जाम थे, स्टेट पीएमटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और ना, यार मेरे को इन दोनों में पक्का मैं गलती करके आई हूँ. मैं क्या करती थी, पूसा स्नोबॉल ब्रासिका में डाल देती थी और कॉलीफ्लावर पूसा स्वर्णिम में डाल देती थी. यार ब्रासिका शलगम वाली फैमिली, फैमिली ही अलग है. ब्रासिका ये शलगम वाली फैमिली. और मैं तुम्हें पूरी ईमानदारी से बता रही हूं, मैंने अपने एग्जाम में बैठने से पहले ये टेबल 2 बार देखा होगा. एंड आई सफर्ड. अंडरस्टैंड दैट दिस चैप्टर इज लाइक आस्किंग फ्रॉम करंट अफेयर्स. हमारा जो नीट का पैटर्न है उसमें एम्स अब मर्ज हो चुका है, उसमें अब जिपमर मर्ज हो चुका है, उसमें मणिपाल मर्ज हो चुका है. यार ये वाले जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये वाले जो कॉलेजेस हैं, दे रियली रियली पे फोकस ऑन करंट अफेयर्स इन योर जीके. सो दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस लाइक दीज. तो ये टेबल आपके लिए करना बहुत जरूरी है. कॉपी की वेराइटी, चलिए आप देखो, ये सारे प्लांट्स इंडियन हाउस होल्ड के एक तरह से स्टेपल फूड है, रोज की सब्जी है. अहमद पटेल, संकल्प, भाई बहुत अच्छा नाम है आपका संकल्प. क्या संकल्प लिया है आपने आज? आई एम टेलिंग यू, वॉट एवर यू डिटर्मिन टू डू टूडे, इट विल हैपन. आई शुड ऑल्सो डू दैट, आई हैवंट टेकन अ प्लेज सिंस मॉर्निंग. मैं तो खैर बहुत दिनों से ले रही हूँ बट आई एम नॉट एबल टू डू इट. चलो, अब कन्वेंशनल ब्रीडिंग की जो लिमिटेशंस हैं वो मैं आपको तब से बता रही हूँ जब से मैं आपको कन्वेंशनल ब्रीडिंग पढ़ा रही हूँ. भाई कोई बात छुपी तो नहीं हुई है कि देर इज लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल कॉम्बिनेशन. क्यों? क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स हमें साफ साफ बताती है कि भैया जो रिसेसिव ट्रेट्स हैं, जो अनडिजायरेबल ट्रेट्स हैं, वो उतने ही एक्सपोज होते जाएंगे. राइट, दैट इज द बैड पार्ट ऑफ इट. राइट, जितने आपके डिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एब्सोल्यूट होमोजाइगोसिटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन. या जनरेशन आफ्टर जनरेशन. और फिर यार उसके बाद इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आता है, और इस सब चांस फैक्टर में हमारा टाइम बहुत ज्यादा
टाइम और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एक पर्टिकुलर वाइल्ड वैरायटी या कन्वेंशनल वैरायटी, आपके जीन पूल में आपने वीट की सारी वैरायटीज के जीन्स एलील्स कलेक्ट कर लिए, उसमें डिजीज रेजिस्टेंस आपको एक पर्टिकुलर वैरायटी ने बोला कि ठीक है भाई इसके पास एक एलील है, जीन भी नहीं मैं एलील की बात कर रही हूं, इसके पास एक एलील है विच कॉन्फर्स डिजीज रेजिस्टेंस टू द क्रॉप। यार वी कांट बी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल वेराइटी। लुक एट योर फंक्शनल ग्राउंड, यू हैव वेरी नैरो ग्राउंड टू फंक्शन। आप इस वेराइटी को करवाए जा रहे हो, ब्रीड क्रॉस ब्रीड करवाए जा रहे हो जस्ट फॉर दैट वन एलील विच कॉन्फर्स डिजीज रेजिस्टेंस। ओके, सो देन यू हैव वेरी वेरी फ्यू चॉइसेस, राइट? तो फिर रिजल्ट भी बड़े बड़े नैरो हो जाते हैं, राइट? जेनेटिक्स तो काम ही ऐसे करती है। सो नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू करंटली, स्पेशली डेवलप्ड नेशंस जिनके पास पैसा है, दे कैन यूज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टूल्स, जो आप अभी बायोटेक में पढ़ोगे, है ना? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी is a, by the way, a very huge and interesting branch of science. I meet so many folks, you know, who have really done their research and masters and in this field of molecular biology, and it is so interesting. I can spend hours listening to the stories of the lab procedures, and you know, nations, US, Europe, these developed nations have a lot of interest in including molecular biology in getting desired results in terms of improved crops, in terms of developing vaccines. Aur aane wale time mein aisa assume kiya ja raha hai ki bhaiya vaccines are going to be really really required, yeah. Medicines, cure for cancer, in fact. So all this is going on, राइट? तो अब आ जाती है म्यूटेशनल ब्रीडिंग। हाँ, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, अगर मैं ऑर्गेनिज्म के सॉफ्टवेयर के लेवल पर, मेरा सॉफ्टवेयर जो मेरे अंदर फीड हो चुका है, विच मेक्स मी फंक्शन, विच मेक्स मी लुक द वे आई लुक, फंक्शन द वे आई फंक्शन, इज माई डीएनए। वहां पर मेरा ब्लू प्रिंट पड़ा हुआ है, दैट इज द ट्रूथ ऑफ माई एग्जिस्टेंस। वो मैंने इनहेरिट कर लिया पेरेंट्स से, ओके? सो दैट इज माई जीनोटाइप। My phenotype is expressed according to the genotype, according to the code, according to the software that you've installed in the computer. सही बात है यार, अगर मेरे को कोई भी change इस phenotype में लेके आना है ना, तो मुझे उस software में, उस blueprint में, उस code में कारीगरी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने एक भी base को इधर से उधर किया, it is so intricate, अगर मैंने एक भी बेस सीक्वेंस के साथ छेड़खानी की, तो द फीनोटाइप चेंज कैन बी ह्यूज। नोइंग दिस, आई कैन ब्रिंग अबाउट म्यूटेशंस, या व्हेन आई ब्रिंग म्यूटेशंस, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशनल ब्रीडिंग, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो अब मैं कन्वेंशनल का एक और स्टेप आगे जा रही हूं, जो मैं लैब में करूंगी, जो मेरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट करेगा, जो मेरा बायोटेक्नोलॉजिस्ट करेगा, ओके? टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड चेंज ऑफ दोज थ्री थिंग्स। व्हाट इज द डिजायर? डिजायर इज डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी। हा हा, एवरीबडी इज हैप्पी। इट साउंड्स इजी बट इट्स नॉट, है ना? तो अब देखते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग की एप्लीकेशन अभी तक क्या हुई है, ठीक है? अब मूंग बीन प्लांट में, मूंग की दाल, येलो दाल, जो तुम्हें बोरिंग लगती है खाने में, हाउ मच आई वाज क्रेविंग फॉर दिस दाल यस्टरडे आफ्टर ईटिंग सो मच ऑफ दिवाली की मिठाई, या सो वो मूंग की और येलो दाल जो है ना, यू मूंग बीन प्लांट, उसको भी येलो मोजैक वायरस, भिंडी वाला YMV वायरस इफेक्ट करता है और हमारा पूरे का पूरा क्रॉप खराब हो जाता है, ठीक है? अब यार भिंडी में अपन ने क्या किया, अपन ने एक ऐसी वैरायटी ली जो ऑलरेडी अवेलेबल थी नेचर में, हु हैड द रेजिस्टेंस फॉर YMV। लेकिन मूंग बीन में अपन ने क्या किया, वी ब्रॉट अबाउट द म्यूटेशन। अब आप जेनेटिक्स में म्यूटेजेंस पढ़ते हो, फिजिकल म्यूटेजेंस, केमिकल म्यूटेजेंस,
उसमें आप पढ़ते हो हाउ गामा रेज, हाउ एक्स रेज कैन कॉज म्यूटेशन. इसीलिए आप देखो जो रेडियोलॉजिस्ट हैं या पीपल हु वर्क विद एक्सरे मशीन्स, दे आर ऑलवेज वेयरिंग द प्रोटेक्टिव गियर बिकॉज एक्स रेज एंड प्रेग्नेंट मदर्स आर नॉट अलाउड एनी वेयर क्लोज टू द डायग्नोस्टिक टू द एक्स रे रूम. वाई? म्यूटेशन. ओके. एंड म्यूटेशंस कैन ब्रिंग अबाउट अ हैविक इन समबडीज लाइफ. या तो प्लांट में अपन क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने मूंग बीन प्लांट ली जिसमें उन्होंने एक प्लांट को तो एक्सपोज कर दिया टू द म्यूटेजन गामा रेज. आपको पता है यूवी रेज आर ऑल्सो म्यूटेजन्स, गामा रेज आर ऑल्सो, आईआर रेज ऑल्सो, एक्स रेज ऑल्सो, ऑल दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग म्यूटेजन्स. या और एक प्लांट को इन्होंने अनएक्सपोज रखा. अब इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो ये पर्टिकुलर वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, आई ऑलवेज टोल्ड यू दे आर मोर फ्रीक्वेंट इन अ पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेट, इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन. हो सकता है जो डिजीज कर्नाटका में हो वो पंजाब में जब ये क्रॉप ग्रो कर रहा है तो ना हो. राइट. और दूसरा होता है सीजन ऑल्सो. राइट. तो इन्होंने मूंग बीन प्लांट्स को उस रीजन में ग्रो किया जहां पे ये वायरस उसको परेशान करता था. और इन्होंने देखा कि जिस प्लांट में गामा रेडिएशन से अपन ने म्यूटेशन करवा दी थी उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, लेकिन जो प्लांट को हमने एक्सपोज नहीं किया था वो बेचारा फिर वायरस से पूरे का पूरा खराब हो गया. सही बात है. सो दिस इज अ क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ हाउ म्यूटेशंस, हाउ डूइंग समथिंग एट द जीनोटिपिक लेवल कैन डू वंडर्स. दिस इज द गुड पार्ट ऑफ म्यूटेशन. राइट. और उसी तरह हमारी आती है पेस्ट रेजिस्टेंस. क्या आती है? पेस्ट रेजिस्टेंस. तो पेस्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स. हमारे आर्थ्रोपोड्स विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप, इंसेक्ट वाले पेस्ट्स. यार थोड़ा सा ओके. आरती गुड इवनिंग बेटा. अंकुर वेरी गुड. तनुज दैट इज ट्रू. हाउ डू यू थिंक स्किन कैंसर हैपेंस? And why do you think people in the West are more prone to skin cancer? ये आपको human health and diseases में पढ़ाया जाएगा या पढ़ा चुके हैं. Shiva is in a very good mood. क्या श्रद्धा क्या बोल रही है? यार थोड़ा सा font बढ़ाना, मेरी आज नजर बड़ी कमजोर है. छुट्टी के बाद हमेशा ऐसे होता है. यार श्रद्धा जिस साल एग्जाम, मैं बच्चों को बोलती हूँ एक रूल फॉलो करो लाइफ में. जिस साल अपन एग्जाम में बैठ रहे हैं, दैट इज टू बड़ा, जिस साल हम एग्जाम में बैठ रहे हैं उससे 10 माइनस करके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो. लाइफ को इजी करो. किसी से पूछो ही मत कौन सा सॉल्व करना है कौन सा नहीं करना. जूही यार ऐसे कोई बोलता है क्या मतलब लाइफ में? गिव मी सम, डोंट से दैट यार. Many people will be happy reading your comment. But those people don't watch my session. So, I mean, I'm talking about my mother, of course, mainly. Roshni, you have a very beautiful name. Baaton mein mat lagao. Achha, ab tumhe ye baat pata hai apne experience se, apni knowledge se, ki pests do tarah ke hote hain. Insect pests are much larger in number. Arthropods ne hame zyada pareshan kiya hua hai than the non-insect pests. सही बात है. नॉन इंसेक्ट पेस्ट, यार पेस्ट डिजीजेस करने को कोई भी डिजीज कर सकता है. राइट. दे कैन बी बर्ड्स, दे कैन बी नेमेटोड्स, दे कैन बी इवन ह्यूमंस, कुछ भी हो सकता है. रोडेंट्स आर नॉन इंसेक्ट पेस्ट्स विच मेजरली इफेक्ट द क्रॉप. ठीक है. और पेस्ट्स का ये है, अच्छी बात ये है कि दे कैन बी सीन. या वी नो दैट दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट स्पीशीज visits the crop field in this season because it is their breeding season as well and they destroy the particular crop. तो अपन ने क्या किया ग्रीन रेवोल्यूशन में? MS Swaminathan अंकल ने बर्लॉक से बात की, हेलो डूड व्हाट टू डू, या देयर इज नो यील्ड ओनली, लॉट ऑफ डिजीज आर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर, व्हाट टू डू. तो बर्लॉक ने बोला, देख भाई पॉपुलेशन तेरे कंट्री की बढ़ती जा रही है, लोग बच्चों पे बच्चे, वन फैमिली है 7 kids 8 kids, अभी क्या करने का? देख तेरे पास टाइम नहीं है, अभी तेरे को पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे.
तो अपन ने ग्रीन रेवोल्यूशन में भर भर के क्या यूज किया, पेस्टिसाइड यूज किए. उसके जो ड्रॉबैक्स थे वो मैम ने आपको काउंट करवाए थे. वो पेस्टिसाइड से क्या क्या हुआ, हमारी सॉइल में आ गए, आज हमारी सब्जियों में पेस्टिसाइड्स इंक्लूडेड है, प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई, सॉइल का पीएच हिल गया, वहां के माइक्रोब्स मर गए एंड व्हाट नॉट. सही बात है. अब अपने को ये समझ में आ रहा है आज भी कितने एनजीओज हैं जो एक कैंपेन चला रहे हैं, हु आर ट्राइंग टू स्प्रेड द अवेयरनेस दैट वी हैव टू सेव आवर सॉइल. और यही है कि हमारी सॉइल जो कभी बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरली यील्डिंग हुआ करती थी वो आज बंजर हो रही है. यार अभिषेक कुमार इज ट्रबलिंग. अभिषेक कुमार क्यों कर रहे हो बेटा स्पैम, खामखा टीम विल ब्लॉक यू, इतने अच्छे बच्चे हो आप. हाँ क्यों ऐसे काम करते हो जब मैम कुछ पढ़ा रही है और तुम स्पैम करते हो. इट्स नॉट, आई मीन मतलब शरारत करनी भी है लाइफ में, कुछ हटके करना भी है, तो ऐसा कुछ करो जिससे भाई 2% 5% तो फायदा हो खुद को. ऐसे काम क्यों करते हो, किसी को परेशान कर भी रहे हो जिससे अपने को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है ना. चलो जूही इस ग्लास में हाइड्रेशन ही है, डोंट वरी, कॉफी नहीं पी रही हूं मैं. अब क्या हुआ कि यार पेस्टिसाइड यूज करने से ग्रीन रेवोल्यूशन तो हो गई, द यील्ड इंक्रीज्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वी सॉ अ मेजर राइज इन द यील्ड, एग्रीकल्चरल यील्ड. ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं. इट कॉज्ड वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन. मैंने आपको एनवायरमेंटल इश्यूज में बताया था, जो भी आप जमीन पे करोगे वो पानी में जाएगा, जो भी आप एयर में करोगे वो भी पानी में जाएगा. बेचारा हाइड्रोस्फीयर इज द सिंक फॉर वायुमंडल एंड धरती मंडल. इज दैट इवन अ टर्म, धरती मंडल, यू अंडरस्टैंड है, कॉमन सेंस. जो भी हवा में होगा वो भी धूल के पानी में आएगा, जो भी जमीन पे हो वो भी बेचारा धूल के पानी में आएगा. पानी की नेचर है फ्लो करना, अपने साथ सब कुछ ले जाना. ठीक है, उसके बाद जब ये पेस्टिसाइड्स प्लांट की बॉडी में आ जाते हैं तो फिर ये तरह तरह के डिजीजेस करते हैं. देन वी वंडर कि क्यों यंग लोगों में किडनी फेलियर्स आर इंक्रीजिंग, क्यों यंग लोगों में यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़कर आ रहे हैं. आई थिंक मेरे को हर एक महीने में एक दो रिपोर्ट्स मेरे दोस्तों से आ जाती है व्हाट्सएप पे, डूड हाउ कम आई हैव मोर लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड, आई एम सो फिट, आई ईट राइट, आई ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन्स, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ एंड वेल्थ. So this is big. Pesticide resistance is one thing that we need to understand. यार ये antibiotic resistance भी होती है body में, ये भी आप पढ़ोगे human health and diseases I think या biotechnology में. So microorganisms have a way to evolve. Every organism has a way to evolve, right? Every organism, all of us are evolving. तो ये जो pests हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो आप हो, जब उसको बार बार लड़ाई सामने रखी जाती है कि मैं तेरे को पेस्टिसाइड से मारूंगा मारूंगा मारूंगा, एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप कहते हो मार ले मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता. यस यस यस. सो जब पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस आ जाती है फिर हम मार्केट में और ज्यादा स्ट्रांग दवाई लेके आते हैं, और वो जो ज्यादा स्ट्रांग दवाई है वो हमारे शरीर और हमारे वाटर बॉडीज को बहुत बहुत एडवर्सली इफेक्ट करती है. इसलिए इयर्स बैक आई वाज इन दिल्ली, 4-5 साल पहले, वन ऑफ माय फ्रेंड्स फिश लवर, यू नो शी यूज्ड टू हैव फिश इन ऑलमोस्ट वन मील एवरी डे, एंड दे शी केम बैक विद अ रिपोर्ट, इंक्रीज लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी or something, some heavy metal in her body. And I immediately told her, yaar please, aap fish khana band kare. Us time pe main bhi vegetarian ban gayi thi. Nahi nahi, hai na? Fish to maine zyada nahi khai hai life mein, when few years of being a non-vegetarian. But that's when I convinced her, and today she's a vegetarian. Yeah? Been 5, 6, 7 years, today she's a vegetarian. You're a vegetarian?
नो नो मत खाओ यार, पता है फिश में कितने सारे हैवी मेटल्स होते हैं, और गेट योर ब्लड ब्लड चेक्ड एवरी 3-4 मंथ्स. सो फिश लवर्स आर लाफिंग एट मी. हाँ, अलॉन्ग विथ पेस्ट इंसेक्ट्स इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड यूजफुल पॉलिनेटर इंसेक्ट्स. ये तो मैंने आपको बताया था कि जब आप पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड दवाई यूज कर रहे हो, लाइक माई मदर सेज, है ना, मैं जब उनको बोलती हूँ आपने मस्किटो रिपेलेंट क्यों नहीं लगाया है रूम में, शी ऑलवेज टेल्स मी कि यार जो चीज़ मस्किटो को मार रही है, रिपेल कर रही है, वो तेरी बॉडी को कुछ नहीं करेगी क्या? एंड देन आई डोंट हैव एन आंसर और मैं हार जाती हूँ, एज यूजुअल स्टोरी ऑफ माई लाइफ. सो बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एन आंसर. तो ऐसा नहीं है कि दवाई, ऑफ कोर्स दवाई इस तरह से बनाई जाती है कि टारगेट ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली मर जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिस दवाई में, जिस केमिकल में एक ऑर्गेनिज्म को मारने की शक्ति है वो बाकियों को छू ही नहीं रही है. इट इज गोइंग टू किल बैक्टीरिया, इट इज गोइंग टू किल द पॉलिनेटर इंसेक्ट्स, और जब पॉलिनेटर इंसेक्ट्स मर जाते तो आपका पूरे का पूरा इकोसिस्टम, पूरी की पूरी फूड चेन, पूरे का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म दुनिया में. दैट इज अ ह्यूज लॉस. दिवाकर, यस, ऑल मॉम्स हैव दिस ट्रेनिंग टू डू दैट. प्रॉब्लमैटिक फॉर लोकल फ्लोरा एंड फौना. अगेन, हो सकता है इस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से जो वहां की एंडेमिक स्पीशीज है, एंडेमिक बोले तो उस एरिया की स्पेशल स्पीशीज हैं, वो सब खराब हो सकती हैं, isn't it? चलो, अब हमने ये पाया है कि जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस है वो प्लांट में कैसे लेकर आए. हाँ, तो आज शिवा, जूही, दिवाकर, राघवेंद्र, यू ऑल आर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स एंड यू आर ब्रिलियंट, एंड आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, भैया कीड़े. तो आपने कहा, मैम आपको एक बात बोले, आप हमेशा कहते थे कि प्लांट के पास हमसे भी ज्यादा तेज दिमाग है, बस वो कहता नहीं है, जताता नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं. तो प्लांट्स के पास नेचुरली कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फीचर्स हैं जो उसने इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन डेवलप कर लिए. दैट इज ग्रेट. सो प्लांट्स नेचुरली इवॉल्व अगेंस्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंस. अब ये वाली जो वैरायटी है इसको आप कन्वेंशनली ब्रीड भी करवा सकते हो, है ना. तो ये जो रेजिस्टेंस नेचुरल है, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, इसमें से सवाल भी आते हैं जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, नॉट स्टेटमेंट बेस्ड पर से. मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शनल कैरेक्टर्स, बायोकेमिकल मतलब दे प्रोड्यूस अ स्पेशल केमिकल. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल वीट में जैसिड्स आर द इंसेक्ट्स विच अफेक्ट द वीट प्लांट. तो इसका जो लीफ है इट बिकम्स हेरी. हेरी लीफ इन वीट provides resistance to jacids. Okay? Is that clear? फिर cotton में भी, अगर आप देखोगे cotton में भी, हाँ, cotton में भी leaves become hairy to take care of bollworm. That's what I was trying to remember. द बॉल वर्म विच इज एन इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, इसने कई सारे कॉटन फील्ड्स को बर्बाद किया था. तो कॉटन इवॉल्व टू हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द लीफ. तो वीट में क्या है, सीरियल लीफ बीटल इज द डिजीज. इस डिजीज का नाम पता होना बहुत 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 जरूरी है. दिस इज अ रैंकर क्वेश्चन, रैंकर क्वेश्चन. आप ये मान लो कि इस चैप्टर को 70% जनता तो पढ़ती नहीं है, दे हेट इट. मैम क्या पढ़े वीट के बारे में, ज्वार बाजरा के बारे में, पूसा क्रांति, जया रत्ना, एटलस 66, नहीं मैम नहीं, बट आई हैव टोल्ड यू द वे आउट ऑफ इट. हाँ, सो आपको क्या याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि भैया, एग्जामिनर बोलेगा, शिवा टेल मी वन थिंग, कि भैया वीट में जो हेरी लीव्स हैं
कि उसके लीव्स बालों जैसे हो गए, समथिंग लाइक दिस। हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वीट को ये समझ में आया कि जो मेरा डिजीज है, सीरियल लीफ बीटल डिजीज, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ इफ आई डेवलप हेयरी लीव्स। उसी तरह दिस वॉज कॉटन, कॉटन अगेंस्ट जैसिड, ये मैंने उल्टा कर दिया, दिस इज उल्टा, जैसिड इज इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इज इन वीट। ठीक है, तो मेरी तरह उल्टा मत करना, यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है जो अभी आपके सामने हुआ है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कैटेगोरिकली एक शीट पे लिखने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स, इतने टाइम बाद भी, इतनी बार पढ़ाने के बाद भी मैं भूल गई कि कॉटन में इट इज द जैसिड्स, जो इंसेक्ट का नाम है वो जैसिड्स हैं, और वीट में इससे याद रख लेना, सीरियल से, सीरियल लीफ बीटल, सीरियल से याद रख लेना, मेरी वाली गलती बिल्कुल मत करना, टीचर की गलती से समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सवाल आएगा कि वीट में कौन सा इंसेक्ट हम भेज रहे हैं घर और कॉटन में कौन सा भेज रहे हैं। ठीक है, अब जिससे मैं कंफ्यूज हो गई थी, बॉलवर्म से, वो गलत नहीं है भाई, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है यार, इसीलिए मैंने बॉलवर्म वहां पे घुसा दिया। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि, क्यों है मेरा फेवरेट बताओ, व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड दीज क्वेश्चंस हैव नॉट फेडेड अवे सिंस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इज हैपनिंग। यानी कि जो मेरा रेगुलर डायलॉग है, मेरे वक्त भी इम्पोर्टेंट था इतने साल पहले, 50-100 साल पहले, और आज भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द, क्वेश्चन बता देती हूँ, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप जरूर याद रखें कि कॉटन में हेरी लीव्स होना, प्रोटेक्टिंग इट अगेंस्ट जैसिड्स इज अ मॉर्फो मॉर्फो मॉर्फोलॉजिकल मेथड ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि वो अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर रही है। इधर क्या कर रही है? इधर अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर रही है। कैसे? कि कॉटन ने क्या कहा, बॉलवर्म आ रहा है ना मेरे पास, तू जा, अभी मैं अपने लीफ एकदम मस्त स्मूथ कर लूंगी, तू फंस ही नहीं पाएगा। भाई तू मेरे लीव्स में आके फंसता है ना, तुझे मेरे फ्लावर्स की खुशबू पसंद है ना, एक तो मैं नेक्टरलेस फ्लावर, या दैट इज ट्रू, नेक्टरलेस फ्लावर प्रोड्यूस करूंगी, सो द बॉलवर्म इंसेक्ट इज नॉट अट्रैक्टेड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंसेक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा मेजर रिवॉर्ड हो जाता है, सबसे मेजर अट्रैक्टेंट हो जाता है स्मेल, फ्रेग्रेंस, ओके? और मैं अपने लीव्स को बहुत स्मूथ बना लूंगी। ओइंग टू दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कॉटन डेवलप्ड रेजिस्टेंस, हमने नहीं किया है, टू द बॉलवर्म डिजीज। गीत एंड यू आर टू वेस्ट योर टाइम हियर, कंग्रेचुलेशंस, नॉट डूइंग एनीथिंग बेटर, सही बात है। उसके बाद बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से भी सवाल आ सकता है, इसमें एग्जाम्पल आता है मेज का, जो मेरा फेवरेट है, आ गया मेज। नॉर्मली मेज प्लांट में अपने आप इवोल्यूशन में, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का कॉन्टेंट कम है, शुगर्स भी कम है, और एस्पैटिक एसिड बहुत ज्यादा है, ये क्वेश्चन आया ही आया, दिस इज ऑल्सो अ रैंकर क्वेश्चन, ये सारी जनता सॉल्व नहीं कर पाएगी। अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो कम से कम 500,000 रैंक आपकी कहीं नहीं गई, इन द सेंस 500,000 रैंक का जो एस्केलेशन है वो कहीं नहीं गया, है ना? जो ही मैं ना मारूंगी, फिर जब मैं मारूंगी फिर बोलेगी थैंक यू मैम मारने के लिए। मेरी क्लास में पढ़ाई के अलावा बात करोगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं भेज दूंगी बाहर। माय क्लासेस आर मेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन। हाँ, जब आप ऑपरेशन थिएटर में एज अ डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे होगे और आके कोई आपके ऑपरेशन थिएटर में स्पैम करने लग जाएगा, आपको डिस्टर्ब करने लग जाएगा, यू विल थ्रो देम आउट, राइट? सो यू डोंट बिकम अ डॉक्टर इन वन डे, इट इज द जर्नी ऑफ योर लाइफ एंड इट स्टार्ट्स एज सून एज यू ड्रीम ऑफ बिकमिंग वन,
So, pretend to be one. Start faking it, then only you'll make it. Okay? So, these three things, I hope, boys and girls, you've noted down. Juhi, don't do that here. You're not here for that. Okay? So, low nitrogen, low sugar and high aspartic acid. Isko ulta pulta mat kar dena. And this is the resistance against whom is another question. Maine bola hi tha, aaj bahut sare MCQ alerts aane wale hain. Shraddha, kaun sa insect hai maize mein? Maize stem borers. To ab hame agar insect resistant crops banane hain aur apne ko plant breeding ki conventional knowledge hai. Right? So I will follow all the steps. I will pick up these varieties of cotton, which is resistant to bollworm. I will pick up the variety which is resistant to maize stem borers. And I will start doing the same. I'll start following the same method of conventional breeding. As in screening germplasm. Hai na? Pura gene pool screen karungi ki kaun si variety mein mera required allele hai. Phir main parents ko select kar lungi. Superior parents bole to ek jiske paas स्टेम बोरर मेज की वो वैरायटी जो स्टेम बोरर से लड़ सकती है और एक जिसकी यील्ड अच्छी है ना. दो वैरायटीज दो पेरेंट्स को चूज कर लिया, उनको मैंने ब्रीड करवा दिया और फिर मैंने रिकॉम्बिनेंट्स को छांटा जिनमें ये दोनों फिनोटाइप आ चुके हैं. उसमें मैंने ये देखा कि मुझे जीनोटिपिकली प्योर लाइन्स चाहिए, प्योर ब्रीड चाहिए, होमोजाइगोसिटी चाहिए. फिर उसके बाद मैंने सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स को टेस्ट किया मेरे रिसर्च फील्ड में. उसके बाद टेस्ट करके मैंने फार्मर्स को रिलीज किया कि तुम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में टेस्ट करो सो दैट आई सी द अडैप्टेबिलिटी टू द एग्रो क्लाइमेट. भाई हरियाणा के फार्मर के पास ग्रो कर रहा है, पंजाब के पास ग्रो नहीं कर रहा है, आई विल नॉट रिलीज दैट क्रॉप. पैसा ही नहीं बनेगा ना उससे. सो देन आई ग्रो इट फॉर 3 seasons एटलीस्ट एंड देन आई रिलीज इट इन टू द मार्केट. तो उस हिसाब से ये सब करके कन्वेंशनल ब्रीडिंग करके अपन ने ये वाली कुछ इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज कमर्शियली प्रोड्यूस की हैं. कमर्शियली आपने ओकरा भिंडी में जो एक कंफ्यूजन होती है, प्रभानी क्रांति इज डिजीज रेजिस्टेंस एंड पूसा स्वानी इज इंसेक्ट रेजिस्टेंस. ओके, ब्रासिका में पूसा गौरव इज डूइंग समथिंग एल्स. Okay, and Pusa Swarnim is something else. So this is a difficult feat. These tables are difficult. So whenever something is difficult, you fight more, you fight harder. You don't leave it undone. So aaj se exam tak 6 mahine reh gaye hain ginke. Lag jate hain kaam pe. Okay, there is no other way here. There's no other way. Uske baad aata hai improved food quality. इम्प्रूव फूड क्वालिटी हम अगले सेशन में देखेंगे, विच विल हैपन ऑन, आज अगर मंगलवार है तो गुरुवार है ना. दो बड़े अच्छे दिनों पे आते हो तुम, ट्यूसडे एंड थर्सडे, बोथ आर माय फेवरेट डेज. मिले फिर थर्सडे को. हाउ टू डेवलप क्रॉप्स विद इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, इंटरेस्टिंग टॉपिक. टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप स्माइलिंग एंड चैनल देखते रहो फॉर न्यू थिंग्स विच आर कमिंग अप. Okay, bye-bye, take care.